हेलो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है पिंच प्लेट्स। पिंच प्लेट्स को कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले 13 सेंटीमीटर की हमें लेंथ लेनी है और फिर 11 सेंटीमीटर की हमें उसकी विड्थ लेनी है। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का गैप रखकर 6 सेंटीमीटर पर हमें मार्क करनी है। एक एक हमें डॉट लगानी है। ओके, डॉट लगाने के बाद हमें 3 सेंटीमीटर का गैप तो रखना ही है, फिर हमें इसको एक एक पर एक लकीर बना देनी है, क्योंकि आपको आसान हो इस तरह, इसलिए फिर इसके एक एक हमें प्लेट्स बनानी है। वो प्लेट्स हम कैसे बनाते थे जब हम छोटे थे ना, तब कैसे हम पेपर से हम प्लेट्स बनाते थे, 1, 2 और उससे हम स्नेक्स बना देते थे, वैसे ही इसे भी हमें ऐसे ही प्लेट्स हमें बनानी है। ओके, ऐसे ही पेपर प्लेट्स बनाते थे ना, वैसे ही अभी इसको बनाकर जहाँ पर ऊपर जो है उधर हमें नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद हमें इसको आयरन करनी है, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ पर यूज़ होती है, कर्टेन बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर आपको ऐसी प्लेट्स में इंटरेस्टेड हो, गारमेंट कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हो। अब फिर से 3 सेंटीमीटर का गैप रखना है और फिर से 6 सेंटीमीटर का हमें मार्किंग करनी है, और वैसे ही हमें इसके डॉट लगाने हैं। इस प्रोसेस को आपको करते जाना है। आपको कितनी प्लेट्स बनानी है, कितने साइज का आपको कर्टेन बनाना है। ओके, इस तरह आप अपना प्लेट्स बना सकती। हाँ बिल्कुल, इस तरह से आपको अपनी प्लेट्स बनानी है। ओके, एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है। ओके, फिर आप उसको ऊपर से हैंगर भी कर सकते हो, और पिंच प्लेट्स 1 भी हो सकती है, पिंच प्लेट्स 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ऐसे फ्रेंच पिंच प्लेट्स भी बनती है। फॉर एग्जांपल 3 प्लेट्स है इसके अंदर, इस पिक्चर में इसमें 2 प्लेट्स हैं इस पिक्चर में, और ये सब इस तरह से आप प्लेट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।